तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बार्न फार्मेसी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी पोर्शन से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का, जो कि जेई कप 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको ऑप्शन है O2, CO, N2 या CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रोलाइसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, विच प्रोफिरिन इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, टीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज मोस्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी टेक प्लेस। ऑप्शन है इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट, इन द ग्रीन एंड येलो रीजन ऑफ लाइट, इन द ब्लू एंड ऑरेंज ऑरेंज रीजन ऑफ लाइट, इन द वायलेट एंड ऑरेंज रीजन ऑफ लाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या वाटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट। ऑप्शन है केमिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट, थर्मल एनर्जी ऑफ लाइट, बायोकेमिकल एनर्जी फ्रॉम हर्ट हीट, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केमिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट। नेक्स्ट है, द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और आपको ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच गैस इज रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और आपको ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी वाटर वेपर, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या फोस्फोग्लाइरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम वाटर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन इन द न्यूक्लियस, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन क्लोरोप्लास्ट या पेरोक्सियोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। नेक्स्ट है, सच बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच शुगर एंड फैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड। और आपको ऑप्शन है रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस या फर्मेंटेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्पायरेशन। अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रिस्पायरेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन है पोटोमीटर, ऑक्सीनोमीटर, ऑटोमीटर, रिस्पायरोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिस्पायरोमीटर। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड अंडर रेजोरन, अंडर ट्रांसपिरेशन, अंडर फोटोसिंथेसिस या अंडर रिस्पायरेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडर रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट बिकॉज। ऑप्शन है द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, द रिलीज ओ टू एट नाइट, द रिलीज CO2 एंड O2 एट नाइट एंड नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ ATP इज। आपको बताना है ATP का मीनिंग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनोक्सिक रिस्पायरेशन इज।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन इज, ऑप्शन है CO2 एंड वाटर, O2 एंड वाटर, CO2 एंड O2, या इथाइल अल्कोहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 एंड वाटर। नेक्स्ट है, सीड्स सोन डीप इन द सॉइल ऑफन डू नॉट जर्मिनेट बिकॉज दे कैन नॉट गेट एयर, दे डू नॉट गेट नाइट्रोजन, दे आर अंडर ग्रेट प्रेशर, दे डू नॉट गेट लाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दे कैन नॉट गेट एयर। नेक्स्ट है, द सेंटर ऑफ रिस्पायरेशन इनसाइड द सेल इज, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। अगला सवाल है दोस्तों, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोसिस, आपको बताना है कि ग्लाइकोलोसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है। आपको ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी प्यूरिक एसिड, सी इथाइल अल्कोहल, या डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, ऑप्शन है इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजेन, या थायरोक्सिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, 2,4-D इज पेस्टिसाइड, एक्सप्लोसिव, फंगिसाइड, वेडिसाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेडिसाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्मोन्स इज करेक्ट, करेक्ट बताना आपको इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए इसका राइट आंसर जो मैं बता दूं होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये तीनों के तीनों सही है। अगला सवाल है, व्हाट इज इंडोल एसिटिक एसिड, और आपको ऑप्शन है एंजाइम्स, फंगिसाइड, एमिनो एसिड, या ऑक्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन। नेक्स्ट दोस्तों, विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑक्सिन इज करेक्ट, ड्यू टू दिस अपेक्स बिकम डोमिनेंट इन प्लांट्स, इट प्रिवेंट्स शेडिंग ऑफ लीव्स, इट डिस्ट्रॉयज वेट्स, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, बाय स्प्रेइंग विच प्लांट हार्मोन कैन पैराथेनियम फ्रूट्स बी ऑब्टेन्ड, ऑप्शन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एबेसिसिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स प्लांट सेल टू ग्रो इन सच अ वे दैट द प्लांट अपीयर बेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।